बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, जहां नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा। पहले राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर भाला फेंका। वहीं विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं विनेश फोगाट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक से, ये शानदार बड़ी खबर, खुशखबरी। पहले राउंड में जैवलिन थ्रो के पहले राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर पर अपना भाला फेंका। अब वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं कुश्ती के फाइनल मुकाबले में भी पहुंची हैं, क्वार्टर फाइनल माफ कीजिएगा, पहुंची हैं विनेश फोगाट। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट ने जीत लिया है। तो ओलंपिक में ये शानदार प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत की पहलवान विनेश फोगाट वुमेन्स 50 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, तो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में पहुंच गए हैं। और अब वापस रुक करते हैं फटाफट खबरों का।